हमारे छोटी बहन आपके यहाँ से सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, कई दिन बाद हम इकट्ठे आए हैं, एक ही मंच से आए हैं। ये समझो कि अब हमारे दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है। और मैं तो बहन जी मुझे यहाँ लेके गई, मैं तो अभी नहीं कहूंगा कि आगे भी अब ये भी इसी पे चले, इसी पे मुझे साथ लेके चले। अब कांग्रेस से हमारा रिश्ता खत्म हो गया जिस दिन कांग्रेस के टिकट का मामला हुआ। अब मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, आप लोगों ने साथ दिया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा बहुत अच्छे वोटों से, सब पार्टी के सामने जमानत जब्त हुई। और उसके बाद मुझे माननीय मनोहर लाल जी जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। हम सात इंडिपेंडेंट थे, रंजीत सिंह को ही बनाया। और बहुत बड़ा मंत्रालय जो पावर मिनिस्ट्री थी, जिसे हम बिजली ऊर्जा मंत्रालय कहते हैं, ये अब तक किसी के पास नहीं था, वो खुद ही रखते थे। पिछले पांच साल बहुत बड़ा महकमा है जो मुझे दिया, सब में सबसे बड़ा महकमा यही है। और इसके साथ जेल दिया एक, वो दूसरा जो सोलर एनर्जी है जिसे न्यू रेनेबल एनर्जी भी कहते हैं, वो महकमा भी दे दिया। इस सारे सामान के लिए हमें मोदी जी ने और उन्होंने दिया। और उसके साथ ही बहन जी का भी एक रोल रहा है कि मुझे यहाँ से लेके गए जिस दिन मैं चुनाव जीत गया था। तो मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ कि अब इनमें मेरे में कोई फर्क नहीं है। ये आए तो समझो रणजीत सिंह आए, और मैं आऊं तो ये समझो कि सुनीता दुग्गल बहन जी साथ आई है। हमारे में कोई फर्क नहीं है। कोई वर्कर भी इस कोशिश में नहीं कोई लगे कि कल को मेरी उनसे गई, उनकी मेरे से गई, जो ये रहेगा वो फिर हमारे पास नहीं रहेगा, हमसे पहले ही अलग हो जाए। हम एक जगह गए, मुझे बीजेपी ने सम्मान दिया। अब इस बात पे कोई संकोच नहीं कि अगले 15-20 साल कांग्रेस का मामला तो गया, जैसे उड़ीसा गुजरात हो गया, कि आप ये समझो कि कांग्रेस कहीं नहीं है। पिछले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है, एक सीट आई है। पिछले यूपी में, बिहार में 40 सीट है, वहां कोई सीट ही नहीं आई। बंगाल में 39 सीट है, कांग्रेस की एक सीट भी नहीं आई। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, बंगाल में 42 है, यही है ना जी। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, वहां डीएमके की और कांग्रेस की अलायंस थी, इस करके तीन सीट आई, नहीं तो वहां भी नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब कि यूपी, बिहार, बंगाल और तमिलनाडु चार स्टेटों में 216 सीटें हैं, 216 सीटों में कांग्रेस के पास तीन सीट है। 40 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। उड़ीसा और गुजरात में पिछले 20 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। तो अब हरियाणा भी उड़ीसा बन गया, गुजरात बन गया, कि अब इसके बाद कोई नहीं आई। तो हुड्डा को 15 सीट रोहतक सोनीपत जज्जर करके आ गई, नहीं तो कहीं है ही नहीं कांग्रेस। ये मान के चले कि मोदी जी का 20 साल एक तरफा मामला चलेगा, तो हमें भी राजनीतिक तौर पे अपना निर्णय ठीक रखना चाहिए कि अगला चुनाव मेरा और बहन जी का दोनों का, ये मान के चले कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव होगा। तब हमारे वर्कर जब कभी नारा लगे ना भारत माता की जय, कभी नारा लगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अगर माननीय मनोहर लाल जी जिंदाबाद, बहन जी का नारा लगे तो फिर जिंदाबाद बिना संकोच है ना उठ के ऊपर तक जोर से बोलना चाहिए। अब ये बहन बूम खत्म कर दो। जब हो गया, अब मुझे सारे बैठे एक बात बताओ, जिस दिन मैं मंत्री पद की शपथ ले रहा था तो मनोहर लाल जी बढ़िया लग रहे थे ना, बराबर सब मन में सोच रहा था, अरे मनोहर लाल जी बड़ा बढ़िया काम कर दिया हमारे चौधरी का। तो जब जिसने बढ़िया कर दिया तो फिर हम उसके वफादार रहे, सिंसियर रहे, हम उसका साथ दें। तो एक तो ये जरूरी मैसेज हम दोनों इकट्ठे आए, कभी कोई ये ना समझे कि हम दो हैं, कभी नहीं, इकट्ठे होके जो बीजेपी में अब तक थे, जिन्होंने रामचंद्र को वोट डाली, बहन जी को वोट डाली, वो इनसे पहले मेरे वर्कर हो गए, ये मान के चले। उन्हें कोई काम हो मेरे पे सीधा है, कभी भी फर्क नहीं दिखेगा। और जो कांग्रेस के थे वो तो मेरे साथ आई थे सारे, 95% 97% कांग्रेस मेरे साथ जा गए थे। इन एलो जेजेपी के भी वोट हमें दिए नहीं दिए कोई नहीं, 5-5, 7-9 हजार उधर पड़ गए, वो भी हमारे यहाँ कोई परहेज नहीं, उनके भी काम करूंगा जी, जब बन गए तो हम दोनों आपके सारों पे काम करेंगे। और जो कांडे वाले हैं ना उन्हें कहीं नजदीक नहीं लेना, कोई ले जाएगा तो उसे भी गलत मान होगा, वो तो बिके हुए लोग हैं। चलो मेरा कहने मतलब उन्हें नहीं मुंह लगाने कभी। चलो।
उन्हें बिल्कुल जैसे ही आवारा पशु फिरते रहे फिरने तो उनसे बात ही नहीं करनी, उन्हें कभी मुंह ही नहीं लगाना, काम दबके ले जी। आपने मांग पत्र में जितने काम रखे मैंने पढ़े नहीं, कुछ मुझे दरखास्त दे रहे थे ना मैं सुन सका, पर मैं आपसे भरोसा दे रहा हूँ सारे के सारे काम करेंगे। जब हम दोनों बैठे हैं कोई काम नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। सरकार का पैसा है, जो हम कहेंगे बहन जी ऊपर मोदी जी से मांगेंगे, मैं मुख्यमंत्री से, मैं तो इन्हें साथ भी ले चलूंगा, ये मुझे लेके जाए नहीं जाए इनका फैसला, पर मैं तो मुख्यमंत्री जी के साथ इन्हें लेके जाऊंगा। और हम दोनों तो पैसा मांगेंगे तो ना प्रधानमंत्री जी मना करेंगे, ज्यादा पैसा तो प्रधानमंत्री जी से आता है, ये जितनी मांगे रखी है ये तो होगी जी। इसके अलावा मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो सरपंच है गांव का, एक प्रस्ताव पास करके ईडीसी का नाम दे दे, जिसमें आपको 5 महिलाओं के टॉयलेट, महिलाओं के लिए मतलब सुबह जाए तो शौचालय कह दो आप, तो वो 5 आपके 1-2 लाख का बनेगा, बढ़िया। मतलब यूं नहीं है कि ऐसे कोई खुद ही घर बना के, बहुत अच्छे बने होंगे जो गांव में एक आइडिया लोगे, वर्ल्ड बैंक का पैसा है, ये सब जगह आ रहा है, सभी पंचायतों को आ रहा है, तो मेरे हल्के में सभी गांव में कर रहा हूँ। उसके लिए दरखास्त है, एक वो कचरे का जो है ना, वो कचरा बॉक्स से कचरा शेड कहते हैं, एक वो कचरा शेड के लिए है ना, उसके लिए भी 5 कचरा शेड बनेंगे, इन दोनों में लग के कोई 20 लाख रुपया लगेगा, सरकार का है, वर्ल्ड बैंक का है, फ्री का पैसा है, वो जरा पंचायत प्रस्ताव पास करके एडीसी के ऑफिस में दे दे, मेरे यहाँ दे दे, बहन जी के यहाँ दे दे, वो हो जाएगा जी। तीसरा, गांव में कोई गौशाला है क्या? कोनी, चलो ठीक है फिर, मेरे पीछे अगले गांव से दूंगा, कोई नहीं, सारा ही देने लाग रहा हूँ। मैंने भी 7 करोड़ मिले जिस साल का, 5 करोड़ बहन जी ने मिले, अब तो 12 करोड़ में मैं ठगा ठग चलावा के ऊपर करे थे, रिपेयरिंग कोई कमी नहीं, तो सारे 9 हल्का बांटना पड़े, थोड़ा अंग जेब कम फाड़िए और हाथी जेब को काट लेते हो, हम तो 9 हल्का में देना है ना जी, बड़े एक में ही देना है, बार भी कई बार देना पड़ जाओ जी, अभी बात नहीं है, पर ज्यादा अच्छा ही खर्च करूंगा जी। तो क्या समझो कि कोई काम आगे कमी कौन दे, मार्क नंबर से थोड़ा सी तो ध्यान रखे करो, पुलिस वाला झूठा साझा पर्चा ना कराइए, कई बार कहते हैं जी अस्पताल में दाखिल है, छुट्टी कराओ जी, जान करके दाखिल पड़े हुए 3 दिन हो गया भाई, 26 लगान भी पड़े हैं, तो क्योंकि मेरी कई गांव है जी, जरा जल्दी में बात कर रहा ठीक है, मैं जी में 3 दिन बोलिया तो टाइम भी लगे, अब ये जी राज है थारो, दबके 15 साल हो गया, थारकन कभी है कड़े सूत है काम ले दबके, ये काम हो गया थारकरा जटे भी, कोई बात हो मेरे कहना बिना संकोच कर दी की मैं कती आओ, एक माफी चाहूँ थोड़ा सा, आजकल भीड़ बहुत बढ़ गई थे, कई बार देख के नाराज भी हो रहा होला है, क्यों मना जी हो गए नहीं, हजार आदमी दिन के कोठी में हो जाए जी, मन बताओ मैं क्या करूं, मैं तो कहूँ माफ फिर वो करूँ, बावड़ा हो यार जी, दिन के लेके हाथ खंडाई तो कई नजदीक आला बह गया, पहला घरे बुला के चाह पे, हम तो लाडू भी खुआ, तो राजकुमार जी है नहीं खारी वाले बना लेम, तो वो आ जाओ थे तो कभी पनी वाली बना लेम, तो आ जाओ गप सप मारे, अब भाई काम नहीं करे आज बार, हम जी ठीक है नहीं, अब टाइम मेड़ो भर जाए कटी कोट में भी क्या कोई ग्राम का मैं चढ़ लोग आ जाओ भाई कोई नहीं, अब भीड़ यार करी अपन भीड़ चाहिए, तो भीड़ चाहिए ठीक है, मैं भी क्या हूँ पार्किंग कोई काम हो मैं तो सागे बिठा ले करूँ, गाटी बैठ तेरा फोन करा दे मोसा वो सागे, पर थाने मारे वर्गो MP वजीर कौन ला दे, हाँ वर्ग को थाने MP कौन ला दे जी, हर वक्त थारे बीच में बैठे नहीं तो पहली बार तो मिलता ही कौन यार, ये जान छुटाने करा करता से तो बहाना मार देता, घरे बैठे कौन ही घरे, तो भाई कोई काम हो माने की वक्त ही कही थारो, हर वक्त काम हो गए को, और माने इन तब के धमका के काम ले करो मार करो, ये कभी नरम आदमी है की फर्क कौन थारा काम करना है, कोई बात थोड़ी है, अब ऐसे का सारा काम देना कभी एक ही काम बने हो गए, कभी खाड़ो ही कौन बने हो, अब थाने खाए तो इनसे घुबरिया फतेहपुरी दोनों गाँव में झगड़ो मत की किला थारा दे दो, बीच में 2 कनाल को तो फासलो है ना, 2 मेरे घर में 10 किला पर दोनों गाँव में जेड़ा है, तो बीच में बिजली घर सैंक्शन कर दी होगी, हरे हरे गाँव में तो कोई मेरे ख्याल में बिजली को नहीं, खेड़े में बिजली को ठीक है ना जी मामला, नहर वालों थारो पड़ी आग कर दी, अब तो बाखड़ा में पानी को थारे जाले कभी बंद को नहीं हो नहीं,
तीर खेड़ा ये तो बार कर गेड़ो दे दिया बोले तीर खेड़ेगा सारे बार कर करते हो ये घुमा के कने नहर दी गए ऐ काम भी हो गया अरे वह परला गांव है ना वो थारो खाली आना कोई नक्को ठीक कर दूंगा चिंता ना करो कर दियो थार लो ऐ नीचे रहियो बाकी कोई काम जगह है ना जो मार को उन दबके जो तो ऐसी का जानवर गांव दस दस बारह बारह रखे बेंजी भी था गा गया आने सारंगो चीते चुटालो थर गम में है कोनी कोई काम कोनी तो बस टकड़ा रहे और खड़े रखो जैसे कोई चीटालो मन बताओ जी चीटालो मामलों में दस पांच दिन में खत्म कर दें बिल्कुल जीरो करेंगे और कोई खास बात है तो बताओ और सब ठीक है ना जी भाई मैं जो कंसर्न ऑफिसर है ना डिपार्टमेंट वाइज जरा एक मिनट आगे आ जाएंगे जितने अफसर है सारे आ जाओ जी पंचायती राज इरीगेशन पावर वाले वीडियो साहब भी कोई पब्लिक हेल्थ वाले ये जरा ये ले लो जी इसमें है ना मैं सारों से कहूँगा तो बाकी कहाँ है पंचायत ये आप पंचायती राज के आगे आप आगे तो बिजली से ये सारे जो काम है ना जिसमें ले लो किसी में दिक्कत आती है तो मुझे बता देना ये जी इसमें आप है ऊपर से कहना है चंडीगढ़ से सारे काम होने चाहिए और इसका रिपोर्ट करना इसका साहब को भी सारों का एनजी को और मुझे दोनों को रिपोर्ट करेंगे कि जी इसमें ये हो रहा है इसके पाइपलाइन में इसके टेंडर हो गए ये हो रहा है या ये हम यहाँ से बना के एस्टिमेट भेज रहे हैं चंडीगढ़ अप्रूवल करा ले तो फिर मैं उससे करवाता हूँ हमारे खुले गए कोई डिपार्टमेंट में होगी बैंक ही कह देंगे मैं कह दूंगा ये सारे काम होने चाहिए जल्द तो भाई सारे काम करूंगा कभी पहला खाड़ो ही कौन मतलब सारा होगा थारो बढ़िया करेंगे धन्यवाद।